गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी, वेलकम टू अन अकेडमी, लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएससी हिंदी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे आज के इस रिवीजन सेशन में, जिसमें हम लोग प्राचीन भारत के इतिहास के दो महत्वपूर्ण टॉपिक्स पर डिस्कस करने वाले हैं। और आप सभी को पता है ये टॉपिक है, पहला हड़प्पा सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता और दूसरा वैदिक सभ्यता। तो आप सभी को पता होगा कि भारत में आज से लगभग 4,500 साल पहले एक बहुत ही विकसित सभ्यता के अवशेष हमें दिखाई देते हैं और ये विश्व की पहली नगरीय सभ्यता के नाम से जानी जाती है। ये सभ्यता भारत के उत्तर में, उत्तर पश्चिमी इलाके में मुख्य रूप से विकसित हुई। इस सभ्यता को सिंधु नदी के किनारे विकसित होने के कारण इसे सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से जाना जाता है। इसमें भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान तक आपको अवशेष दिखाई देंगे, आपको इस सभ्यता के चिन्ह दिखाई देंगे। तो हम स्टार्ट करेंगे आज के सेशन में, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में बात करेंगे। और रिवीजन सेशन है तो मैं आपको जल्दी जल्दी थोड़ा सा रिवाइज करवाऊंगा कि सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता की विशेषता क्या थी, क्या क्या यहाँ से प्राप्त हुआ है, किस तरह के क्वेश्चन, किस तरह के प्रश्न यहाँ से बन सकते हैं और क्यों ये सभ्यता इतनी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आखिरकार हजारों साल पहले पुरानी सभ्यता को पढ़ने का या उसके बारे में जानने का क्या औचित्य है, क्या कारण है, ये सब कुछ हम आज के सेशन में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। सभी को एक बार फिर से गुड आफ्टरनून, नमस्कार। पहले तो मुझे बताइए कि आवाज़ क्लियर आ रही है। फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे आप सभी लोग एक बार कमेंट करके बता दीजिए कि आवाज़ ठीक से आ रही है, क्लियर। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून एवरीवन, आवाज़ क्लियर है। थोड़ा सा मेरा गला अभी ख़राब है लेकिन चूंकि एग्ज़ाम हमारी पास में ही है, नज़दीक है, इसलिए हम लोग ज़्यादा गैप नहीं कर सकते, ठीक है। इसके अलावा और भी कई सारे टॉपिक्स हमें डिस्कस करना है, और भी कई सारे टॉपिक्स हमें पढ़ना है। तो चलिए शुरुआत करते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन की। और ये चर्चा में रहता ही है हर साल, कभी न कभी न्यूज़पेपर में किसी न किसी कारण से आप देखेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता चर्चा में रहती है, कुछ न कुछ यहाँ से होता ही रहता है। सबसे पहले मैं अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन के बारे में बता दूं कि आज 17 सितंबर है और आज लास्ट डेट है ऑफ़र की, जिस ऑफ़र में आपको एक्स्ट्रा 20% डिस्काउंट मिल रहा है, मतलब एक डिस्काउंट के ऊपर डिस्काउंट, यहाँ पर बम्पर डिस्काउंट आपको मिल रहा है। आज लास्ट डेट है। सीके लाइव रेफरल कोड को यूज़ करके अगर आप आज अपना सब्सक्रिप्शन लोगे तो एक साल का GS प्लस ऑप्शनल दोनों 46,000 में हो जाएगा और दो साल का GS प्लस ऑप्शनल 66,000 में और तीन साल का 80,000 में हो जाएगा। इसमें आपकी कंप्लीट प्रिपरेशन होगी, GS भी होगा, ऑप्शनल भी होगा, इसमें ऐसे भी होगा, इसमें आप लोगों को हिंदी इंग्लिश के जो पेपर हैं वो भी हो जाएंगे, नोट्स मिल जाएंगे, ऑप्शनल की GS की टेस्ट सीरीज़ हो जाएगी और मॉक इंटरव्यू तक की कंप्लीट प्रिपरेशन विथ अनलिमिटेड एक्सेस विथ इंडिया टॉप एडुकेटर्स। घर बैठे सीके लाइव रेफरल कोड यूज़ करो और आज इस ऑफर की लास्ट डेट है, इसका फ़ायदा उठाओ। चाहे आप कोई भी सब्सक्रिप्शन लो, आप GS का लीजिए, कॉम्बो सब्सक्रिप्शन लीजिए, आइकॉनिक लें, कोई भी एक साल, दो साल, तीन साल के सब्सक्रिप्शन में आज आपको, ठीक है, मेगा डिस्काउंट दिया जा रहा है। तो आप आइकॉनिक भी ले सकते हैं अगर आपको डेली आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस, पर्सनल कोच चाहिए तो, और आप कॉम्बेट में भाग ले सकते हैं हर संडे को। मेरा रेफरल कोड सीके लाइव यूज़ करके 11 बजे अनअकैडमी कॉम्बेट होता है, तो कॉम्बेट में भी आप भाग ले सकते हैं। यहाँ भी 1 घंटे का टेस्ट होता है जो आप पार्टिसिपेट करके और 100% तक डिस्काउंट हासिल कर सकते हैं, फ्री में अपना प्लस सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं अनअकैडमी का, स्कॉलरशिप ले सकते हैं। तो हमारा जो टॉपिक है वो है सिंधु घाटी सभ्यता। तो स्टार्ट करें, चलिए, वर्षों पुरानी सिंधु घाटी सभ्यता 20वीं सदी के दूसरे दशक तक एक गुमनाम सभ्यता थी। हम जानते हैं कि भारत में
बहुत समय के बाद इस बात का पता चला कि हमारे यहाँ पर हजारों साल पहले इतनी विकसित और इतनी बढ़िया सभ्यता पाई जाती थी, हमें इसके बारे में कोई ज्ञान नहीं था। और ये 20वीं शताब्दी तक भी हमें पता नहीं था कि भारत में ऐसा कुछ कभी हुआ करता था। हर बार अंग्रेज ब्रिटिश यही जताने की कोशिश करते थे कि वो हमेशा हमसे श्रेष्ठ रहे, इंग्लैंड ब्रिटेन भारत से बहुत आगे रहा है और भारत के लोग जंगली रहे हैं, सपेरों और बीन का ये देश रहा है, यहाँ के लोगों की परंपराएं और रूढ़ियाँ जकनिया दकियानूसी है, यहाँ की मान्यताएं पुरानी है। लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता के एक बार सामने आने के बाद ये चीज़ क्लियर हो गई कि हजारों साल पहले भी भारत में सभ्यता के अवशेष दुनिया के बाकी हिस्सों से कहीं बेहतर अवस्था में थे। लेकिन एक बड़ी बात यह कि बहुत समय तक गुमनाम रही, इसके बारे में बहुत ज़्यादा किसी को पता नहीं था। आम तौर पर लोगों को ये लगता था कि सिकंदर के आक्रमण के पहले, आपको पता है कि सिकंदर अलेक्जेंडर का आक्रमण भारत में 326 ईसा पूर्व में हुआ था और उस समय भारत में नंद वंश का शासन हुआ करता था। आपको पता होगा नंद वंश का शासक था, घनानंद शासक था। तो ये माना जाता था कि सिकंदर के आक्रमण के पहले तक भारत में सभ्यता, ठीक है, कोई सभ्यता नहीं थी। लेकिन जब सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में, हड़प्पा सभ्यता के बारे में पता चला, तो ये चीज़ क्लियर हुई कि भारत का इतिहास सिकंदर के आक्रमण के पहले हजारों साल पुराना है। सिकंदर तो बहुत बाद में आया, 326 ईसा पूर्व में आया, उससे पहले भारत में हजारों साल पहले भी एक विकसित सभ्यता, एक नगरीय सभ्यता थी। 20वीं सदी के तृतीय दशक में दो पुरातत्व, नाम है दयाराम साहनी, आपने राय बहादुर दयाराम साहनी का नाम सुना होगा, और दूसरा नाम है राखाल दास बनर्जी। ये दो नाम इतिहास में अमर हो गए हैं, ठीक है, दयाराम साहनी का और राखाल दास बनर्जी का। ये इसलिए अमर हो गए क्योंकि इन दोनों ने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के प्राचीन स्थलों से, ठीक है, खुदाई करके कुछ पुरावस्तुएं प्राप्त करके ये सिद्ध कर दिया कि सिकंदर के आक्रमण के पहले भी भारत में एक सभ्यता थी जो कि समकालीन सभ्यताओं में सबसे विकसित थी। सिकंदर के आक्रमण से पहले ये माना जा रहा था कि भारत में सभ्यता नहीं थी, लेकिन इन दोनों भारतीयों ने ये चीज़ क्लियर कर दी कि सिकंदर के आक्रमण से पहले भारत में सभ्यता थी, और सिर्फ थी नहीं, उस समय की बाकी की सभी सभ्यताओं से कहीं ज़्यादा विकसित भी थी। उसके साथ साथ दुनिया में जितनी भी मेसोपोटामिया या जितनी भी सभ्यताएं थी उनमें सबसे ज़्यादा विकसित सभ्यता भारत में ही थी, हड़प्पा सभ्यता। कालांतर में फिर कई और नाम जैसे जॉन मार्शल, माधव स्वरूप वत्स, के एन दीक्षित, अर्नेस्ट मेके, स्टेन, अमलानंद घोष, जेपी जोशी, कई सारे, दयाराम साहनी और राखालदास बनर्जी के बाद कई सारे और भी विद्वानों ने जगह जगह पर खुदाई की, और खुदाई से धीरे 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 ये सभ्यता सामने आई। इसके कई स्थल हमारे सामने आए जो भारत में हैं, भारत में आपको हरियाणा में मिल जाएंगे, जम्मू कश्मीर में मिल जाएंगे, नीचे आप आएंगे तो पंजाब में मिल जाएंगे, राजस्थान और गुजरात तक, उत्तर प्रदेश तक, महाराष्ट्र तक इस सभ्यता के अवशेष हैं। इधर पाकिस्तान में और उधर अफगानिस्तान तक, सुतका गेंद दौर तक हड़प्पा सभ्यता के अवशेष थे जो धीरे 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 सामने आए थे। इन उत्खनन से प्राप्त अवशेषों के आधार पर इस पूरी सभ्यता को हम सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से जानते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता बोलने का कारण यह है कि ये सभ्यता सिंधु नदी के आसपास ही केंद्रित थी। सिंधु नदी के बारे में आपको पता है कि ये कहाँ से निकलती है, ये तिब्बत में कैलाश पर्वत श्रेणी जो है, कैलाश पर्वत श्रेणी में एक दर्रा है जिसका नाम है, सॉरी, एक हिमनद है बोखरचू, ठीक है, बोखरचू के निकट एक ग्लेशियर है, एक हिमनद है, वहाँ से ये सिंधु नदी निकलती है और फिर ये भारत में प्रवेश करती है। तिब्बत में इसको सिंगी खम्बान के नाम से जाना जाता है। फिर ये भारत आती है और भारत के बाद पाकिस्तान में प्रवेश करके पूरे पाकिस्तान को कवर करते हुए और नीचे अरब सागर में जाके ये मिल जाती है। तो सिंधु नदी के किनारे पर ही, आसपास ही ये सभ्यता मुख्य रूप से केंद्रित थी, इसलिए सिंधु घाटी की सभ्यता। और चूंकि सबसे पहली खुदाई
सबसे पहले किस जगह के बारे में पता चला? सबसे पहले खुदाई कहाँ से हुई? सबसे पहले खुदाई हुई हड़प्पा में, ठीक है, इसीलिए इस सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। तो सिंधु घाटी सभ्यता भी बोला जाता है इसको, इसे हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। नामकरण, तो सिंधु सभ्यता का क्षेत्र बहुत व्यापक था। आपको पता है कि इसका क्षेत्रफल लगभग लगभग 13 लाख स्क्वायर किलोमीटर था, 12,99,600 स्क्वायर किलोमीटर, लगभग लगभग आप ये मानिए 13 लाख स्क्वायर किलोमीटर का एरिया था सिंधु सभ्यता का। शुरुआत में हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खुदाई से इस सभ्यता के प्रमाण मिले, इसलिए विद्वानों ने इसे सिंधु घाटी सभ्यता का नाम दिया। ये मैंने आपको बता ही दिया। लेकिन बाद में रोपड़, लोथल, कालीबंगा, बनावली, रंगपुर कई क्षेत्रों में भी सभ्यता के अवशेष मिले, और फिर हमें यह समझ में आया कि ये सिंधु और उसकी सहायक नदियों के क्षेत्र से भी ज़्यादा फैली हुई थी। मुख्य रूप से तो सिंधु के आसपास, लेकिन सिंधु के बाहर भी कई सारे इलाकों में इस सभ्यता के अवशेष मिले हैं। जैसे आपने और भी नदियों के नाम दे सुने होंगे, घग्गर नदी के किनारे पर भी है, लोथल जो है भोगवा नदी के किनारे पर है, तो हरियाणा में, गुजरात में, राजस्थान में, जहाँ सिंधु नदी का कोई लेना देना नहीं है, वहां भी आपको इस सभ्यता के अवशेष दिखाई दे जाएंगे। इसीलिए इतिहासकार इस सभ्यता का प्रमुख केंद्र हड़प्पा होने के नाते इस सभ्यता को हड़प्पा की सभ्यता कहना ही उचित समझते हैं। अब विस्तार देखो, ये सभ्यता कहाँ से कहाँ तक फैली थी, इसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक था। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इसका विस्तार उत्तर में, ये आपको जम्मू कश्मीर से लेकर नीचे महाराष्ट्र तक, भारत में दाइमाबाद, अगर इसके छोरों की बात करें, सबसे उत्तरी किनारा इसका जम्मू कश्मीर में मांडा में आपको मिलेगा, दक्षिणी किनारा महाराष्ट्र के दाइमाबाद में आपको मिलेगा, इधर पूर्व में अगर आप आओगे तो उत्तर प्रदेश तक, आलमगीरपुर मतलब मेरठ के यहाँ तक, यहाँ से लेकर तो पश्चिम में सुतका गेंडोर जो कि अफगानिस्तान में आता है, ठीक है, बलूचिस्तान की पश्चिमी सीमा है ये, वहाँ तक आपको इसका विस्तार दिखाई देगा। ये क्या है? ये हड़प्पा सभ्यता के पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी और दक्षिणी बिंदु हैं। इस पूरे क्षेत्र में, इसके बीच में ये सभ्यता, मैंने कहा ना आपसे कि 12,99,600 स्क्वायर किलोमीटर का मतलब होता है लगभग लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर, जो कि कम नहीं होता, बहुत बड़ी सभ्यता थी। आज भी अगर आप देखें कोई देश जिसका क्षेत्रफल 13 लाख स्क्वायर किलोमीटर के आसपास हो, तो वो छोटा मोटा देश तो नहीं माना जाएगा। भारत का क्षेत्रफल आपको पता है कि पूरा भारत 32 लाख स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है, 32, 87, 263। तो इस हिसाब से सिंधु घाटी सभ्यता लगभग हुआ, लगभग आप देखेंगे कि एक तिहाई से थोड़ा सा ही ज़्यादा यहाँ तक आपको ये मिल जाएगा। तो ये एक बड़ी बात थी, ठीक है, एक तिहाई से भी बड़ा है ये भारत के क्षेत्रफल से, तो अपने आप में बहुत बड़ी सभ्यता थी। इसका भौगोलिक विस्तार भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान तीन देशों में आपको मिलेगा। अब इस सभ्यता के बारे में आपको पता होगा कि इसे कांस्य युगीन सभ्यता कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इस सभ्यता के लोग कांसा बनाना सीख चुके थे, ठीक है, कांसा बनाना ये लोग सीख चुके थे। इसका उद्भव ताम्रपाषाण काल में भारत के पश्चिमी क्षेत्र में हुआ, और इसका विस्तार भारत के अलावा पाकिस्तान और अफगानिस्तान के कुछ क्षेत्रों में भी था। तो मोटे मोटे तौर पर यह सभ्यता आज के तीन देशों में फैली हुई थी, ठीक है। सैंधव सभ्यता का विस्तार हमने देखा मांडा, जम्मू से लेकर नर्मदा नदी के मुहाने तक, और इधर पश्चिम में अफगानिस्तान में सुतका गेंडोर से लेकर तो आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश मेरठ तक था। अगर इसकी लंबाई चौड़ाई की बात करें तो उत्तर से दक्षिण लगभग 1100 किलोमीटर इसका विस्तार था, और पूर्व से पश्चिम इसका विस्तार 1600 किलोमीटर था। मतलब इस सभ्यता का, ठीक है, इसकी चौड़ाई ज़्यादा थी। ये आपको कितनी मिल जाएगी?
1600 किलोमीटर। और आज की अगर भारत से तुलना करें तो हमारी उत्तर दक्षिण जो है वो कितनी है, 3214 किलोमीटर, और पूर्व पश्चिम कितना है, 2933 किलोमीटर। तो आप देख सकते हो बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। भारत के आज के विस्तार के हिसाब से आप देखो तो 3200 किलोमीटर उत्तर दक्षिण भारत की लंबाई है, 1100 इसकी भी थी, और 2900 किलोमीटर हमारी पूर्व पश्चिम जो है विस्तार है, 1600 सिंधु घाटी सभ्यता का भी था, और एक दो नहीं, ठीक है। आप देखोगे कि यहाँ पर अभी तक लगभग 2800 स्थल मिल चुके हैं, 2800 मतलब 3000 के आसपास स्थल सिंधु घाटी सभ्यता से हमें मिल चुके हैं। अगर आकार की बात करें तो ये सभ्यता त्रिभुज आकार में थी, मतलब ट्राइंगल त्रिभुज के आकार में आपको ये मिलेगी त्रिभुजाकार। इसका क्षेत्रफल 12,99,600 लगभग 13 लाख स्क्वायर किलोमीटर। सबसे पहले चार्ल्स मेसन ने 1826, अब इसकी शुरुआत कहाँ से होती देखो, सबसे पहले सैंधव सभ्यता का पता लगाया था चार्ल्स मेसन ने 1826 में। इसका वर्णन उन्होंने अपनी 1842 में प्रकाशित पुस्तक में भी किया है। तो सिंधु घाटी सभ्यता जो है इसके बारे में सबसे पहले कहाँ से हमें पता चलता है, सबसे पहले इसके बारे में चार्ल्स मेसन ने पता लगाया था 1826 में। लेकिन असली में इस सभ्यता का दुनिया से परिचय करवाया भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के तत्कालीन अध्यक्ष सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में दयाराम साहनी ने, राय बहादुर दयाराम साहनी जो एक पुरातत्वविद थे। सबसे पहले 1921 में उन्होंने हड़प्पा, जहाँ पहली बार खुदाई हुई, इस स्थल की खोज की और इसका नाम हड़प्पा सभ्यता पड़ा। और यहीं से, ठीक है, यहीं से आप देखोगे कि ये हड़प्पा सभ्यता के नाम से जानी है। कब, 1921 की बात है। और जॉन मार्शल जो उस समय कौन थे, जॉन मार्शल उस समय अध्यक्ष थे पुरातत्व सर्वेक्षण के, और दयाराम साहनी वो पुरातत्वविद थे जिनके नेतृत्व में ये खुदाई हुई। तो जॉन मार्शल के दिशा निर्देश में ही अगली जगह राखाल दास बैनर्जी, इन्होंने सिंधु घाटी सभ्यता के दूसरे स्थल की खोज की। अगले ही साल 1921 में हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई और 1922 में मोहनजोदड़ो की खोज राखाल दास बनर्जी ने की। तो बैक टू बैक 21 और 22, ये 2 साल ऐसे थे कि जब दुनिया को इस सभ्यता के बारे में पता चलने लगा। इसके बाद तो कई सारी जगह पर खुदाई हुई और हमें शुरुआत में ये लग रहा था कि ये सभ्यता बहुत छोटी सी सभ्यता है, एक दो शहर तक सीमित है। आगे जाके पता चला कि लाखों स्क्वायर किलोमीटर में फैली हुई ये सभ्यता एक बहुत बड़ी सभ्यता थी। फिर आपको एक रेडियो कार्बन 14 की पद्धति के बारे में पता होगा, जो किसी भी समय का या काल का निर्धारण करती है वस्तु के। तो इसके द्वारा हमें पता चला है सिंधु घाटी सभ्यता का जो काल है वो 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व का माना गया है। कई लोग इससे भी पुराना मानते हैं, लोगों का तो यहाँ तक माना है कि 8,500 साल से भी ज़्यादा पुरानी ये सभ्यता है। लेकिन रेडियो कार्बन की जो C14 विधि है इसके द्वारा इसका काल आपको हमेशा याद रखना है, 2500 ईसा पूर्व से लेकर 1750 ईसा पूर्व के बीच, मतलब अगर आज से तुलना करें तो आज से लगभग 4,500 साल पहले, आज से 4,500 साल पूर्व ये सभ्यता अस्तित्व में आई थी। फिर 400-500 वर्षों तक ये विद्यमान रही। उसके बाद 2200 से 2000 ईस्वी पूर्व के मध्य तक ये परिपक्व अवस्था में थी। सिंधु घाटी सभ्यता की जब हम बात करते हैं ना तो उसकी अलग अलग स्टेज आती है। सबसे पहले प्रारंभिक हड़प्पा जब इसकी शुरुआत हुई, फिर विकसित हड़प्पा जब ये अपने पीक पर थी, जब इस सभ्यता में सारी चीज़ें लगभग लगभग आ गई थी, सारी संरचनाएं आ गई थी, और उसके बाद में उत्तर हड़प्पा जब धीरे धीरे सभ्यता का पतन होने लगा था। तो परिपक्व अवस्था मानी जाती है 2200 से 2000 ईस्वी पूर्व की, लगभग लगभग
200-300 साल तक ये अपने परिपक्व अवस्था में थी। हालांकि नवीन शोध के अनुसार ये सभ्यता लगभग 8,000 साल पुरानी, जो मैं आपसे कह ही रहा था, कई लोगों का ये मानना है कि सिंधु घाटी सभ्यता उससे कहीं ज़्यादा पुरानी जितना हम इसे समझते हैं। हम मानते हैं सिंधु घाटी सभ्यता आज से लगभग 4,500 साल पहले या ईसा से, ठीक है, 2-2,500 साल पहले आई थी, लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता जो है इससे कहीं ज़्यादा प्राचीन थी और वो 8,000 साल तक पुरानी है। इस सभ्यता के निर्माताओं के निर्धारण का महत्वपूर्ण स्रोत का उत्खनन से प्राप्त मानव कंकाल है। तो सबसे ज़्यादा जो निर्धारण इस पूरी सभ्यता के बारे में हमने किया है वो है मानव कंकाल। सबसे ज़्यादा मानव कंकाल मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए हैं और मानव कंकाल एक ऐसा स्रोत है जिसके माध्यम से हम इसके बारे में और ज़्यादा पता लगा पाए हैं। ये हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है सभ्यता के निर्माताओं के निर्धारण का, कि वो लोग कैसे थे, किस तरह की उनकी आदतें थी। मानव कंकाल के आधार पर जब हम परीक्षण करते हैं तो हमें पता चलता है कि सिंधु घाटी सभ्यता में चार प्रकार की प्रजातियां निवास करती थी। परीक्षण जब हमने मानव कंकालों का, ठीक है, कंकालों का परीक्षण किया तो ये हमें समझ में आया कि चार प्रकार की प्रजातियां यहाँ निवास करती थी। कौन कौन सी? भूमध्य सागरीय, प्रोटो ऑस्ट्रेलाइट, अल्पाइन और मंगोलॉइड। ये आप देखते हैं कि भारत में आज भी पाए जाते हैं। तो ये चार प्रकार की प्रजातियां थी जिनमें सबसे ज्यादा भूमध्य सागरी प्रजाति के लोग यहाँ पर थे। इस तरह के पॉइंट्स आप नोट कर सकते हो। हड़प्पा सभ्यता में सबसे ज़्यादा भूमध्य सागरी प्रजाति के लोग पाए जाते थे या थे। अब एक चीज़ जो आप सब लोगों को अच्छे से पता है, एक चीज़ जो पूरी दुनिया सिंधु घाटी सभ्यता का नाम आते ही समझ जाती है, और वो ये कि ये सभ्यता एक विकसित नगरीय सभ्यता थी। हमारे यहाँ पर आज भी आप देखते हो कि पूरे देश में दो तरह की आपको जगह मिलेगी, एक शहर और एक गांव, नगर और गांव। नगर जिसे आप अर्बन एरिया, रूरल और अर्बन में बांटते हैं, तो अर्बन या नगर क्या होता है? शहर वो होता है जहाँ पर आपको शहरी संरचनाएं दिखाई देती है, विकास दिखाई देता है, वहाँ पर आपको मनोरंजन के साधन, शिक्षा के साधन, स्वास्थ्य सुविधाएं, उद्योग, रोजगार सब कुछ मिलेगा। ये क्या है? ये शहर है जहाँ पर व्यवस्थित रूप से घर बने होते हैं, गलियाँ होती है, कॉलोनीज होती हैं, सुव्यवस्थित नियोजन होता है, ठीक है, हर एक चीज़ सही तरीके से वहाँ पर आपको मिलेगी। तो ये एक नगरीय सभ्यता मानी जाती है। क्यों? क्योंकि इस सभ्यता में ऐसी कई चीज़ थी जो आजकल भारत में या दुनिया में कई जगह नगरों में मिलेंगी आपको, गाँव में नहीं मिलेगी। पक्की सड़कें, सड़कों का जो आकार है, तरीका है बनाने का, जो संरचना है, मकानों की जो संरचना है, ठीक है, इसके साथ साथ पानी निकासी की जो प्रणाली है, सीवेज सिस्टम है, ये सब कुछ दिखाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय सभ्यता है। नगरीय सभ्यता इसकी सबसे बड़ी विशेषता थी। लेकिन हम कैसे बता सकते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी? सबसे पहले तो पर्यावरण के अनुकूल इसका अद्भुत नगर नियोजन। हड़प्पा सभ्यता की सबसे बड़ी खासियत ये थी कि इसका नगर नियोजन अद्भुत था। जैसे आप बोलते हैं ना, प्लैंड सिटी, कोई भी शहर प्लैंड सिटी कब कहा जाता है? प्लैंड सिटी तब कहा जाएगा जब वहां पर हर एक चीज प्लानिंग के हिसाब से बनाई जाएगी। जैसे आप भारत में चले जाए चंडीगढ़, चंडीगढ़ भारत की पहली प्लैंड सिटी मानी जाती है, क्योंकि अन्य शहरों के मुकाबले चंडीगढ़ में हर एक चीज़ सुनियोजित है, पहले से ही सोच समझ के, रणनीति बना के, प्लानिंग बना के की गई है। सिंधु घाटी सभ्यता में भी आपको नगर नियोजन अद्भुत मिलेगा। और जल निकास प्रणाली, जैसे बरसात में पानी आता है तो पानी को निकालने का, घरों से जो बाहर पानी आता है अपशिष्ट के रूप में उसको निकालने का, ऐसा नहीं कि घर से पानी निकला तो सड़क के ऊपर फैल गया, इस सब को निकालने का व्यवस्थित एक पूरा प्लान तैयार किया गया था। आज भी आप देखते हैं कि भारत में कई जगह नालियाँ, खुली नाली आपको दिखाई देगी, मच्छर, कीचड़,
गंदगी कई जगह पे आपको मिलेगा। आज से हजारों साल पहले की हड़प्पा सभ्यता की खास बात यही थी कि वहाँ पर जल निकास प्रणाली बहुत बेहतर अवस्था में थी। प्लानिंग के साथ सारा के सारा पानी व्यवस्थित रूप से बाहर निकल जाया करता था। ये एक चौंकाने वाली बात थी, इतने साल पहले के लोगों ने भी इस चीज़ को ध्यान में रखा था, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, इसीलिए इसको हम लोग नगरीय सभ्यता कहते हैं। सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। हड़प्पा सभ्यता की जब बात होती है तो इसकी सड़कों की बात होती है। सड़कें जैसे आपको पता है कि विकास का एक मापदंड माना जाता है, कहीं भी अगर सड़कें अच्छी होती है, ठीक है, बढ़िया और चौड़ी सड़कें होती तो हमें लगता है कि यहाँ पर काफ़ी विकास हुआ है। ये सीधा सीधा डेवलपमेंट से जुड़ा हुआ मामला है, विकास से जुड़ा हुआ मामला है। हड़प्पा सभ्यता में भी आप देखते हो कि यहाँ पर सड़कें जो थी वो बहुत व्यवस्थित बनी हुई थी। सड़कें इतनी चौड़ी होती थी कि आज के दो ट्रक एक साथ चले तो भी आराम से निकल जाएं, मतलब सड़कों की चौड़ाई काफ़ी ज़्यादा थी। फिर सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती, जैसे भारत में आप देखते हैं ना जगह जगह पर चौराहे आते हैं, ठीक है, आप जैसे ही किसी स्क्वायर पर पहुंचते हैं तो वहां पर आपके पास ऑप्शन होता है कि आप दाएं जा सकते हैं, बाएं जा सकते हैं या सीधे जा सकते हैं। ऐसे ही सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी, इसी तरह के चौराहे होते हुए हुए होते होंगे वहाँ पर, या इसी प्रकार की चौराहे जैसी संरचना वहाँ दिखाई देती होगी। तो ये एक ऐसी चीज़ थी जो आपको हड़प्पा सभ्यता में विशेष रूप से दिखाई देती और यही इसको खास भी बनाती, ठीक है। हम ये मानते होंगे कि जब भी आपके और हमारे दिमाग में चलिए हड़प्पा सभ्यता को भूल जाओ, हम देख रहे हैं कि मनुष्य का विकास क्रमिक रूप से हुआ है, हम देखते हैं कि सभ्यता धीरे धीरे पनपी है, तो हमें क्या लगता है कि आज जैसे कहीं पर पक्की सड़क है तो आज से 100-200 साल पहले वहाँ पर एकदम कच्चा होगा, कीचड़ हो जाता होगा बरसात में, कच्चे घर होंगे। तो हम खुद भी देखते हैं कि 100-200 साल पहले हमारे ही आसपास के इलाके को अगर पुरानी तस्वीरों में देखें तो लगता है कि कितना पुराना था, क्या संरचनाएं थी। लेकिन कल्पना करना मुश्किल है कि इतने हजार साल पहले भी इतनी बढ़िया सड़कें, इतना बढ़िया नगर नियोजन, इतनी बढ़िया जल निकास प्रणाली कैसे बनाई होगी। ठीक है, ये वो समय है जब दुनिया के लोगों को कपड़े पहनना भी ठीक से नहीं आता था, उस समय की बात ही। फिर अगर आप देखो कि नगर जो है बहुत व्यवस्थित रूप से बना था, अगर हम नगर योजना की बात करें, हड़प्पा सभ्यता की जो नगर योजना थी वो भी अपने आप में खास थी। कैसे, इसको दो भागों में बांटा जाएगा, नगर दो भागों में बटे होते थे, ये हो गया पहला भाग और ये हो गया दूसरा भाग। पहले भाग में ऊंचे दुर्ग होते थे, टीले, टीले के ऊपर ये बसा होता था, और दूसरे भाग में निम्न वर्ग रहा करता था निचले इलाके में। यहाँ पर आप देखोगे शासक वर्ग रहता था ऊंचाई पर, और दूसरा जो भाग है इसे नगर या आवास क्षेत्र कहते हैं, यहाँ पर सामान्य नागरिक रहते हैं, आम लोग। अंग्रेजों के जमाने में आपने देखा होगा, अंग्रेजों के जमाने में कई सारे शहरों को ऐसा कि आम लोग रहते हैं और शहर से बाहर सरकारी अधिकारी, ब्रिटिश छावनी, प्रशासन के लोग रहते थे, उसको सिविल लाइंस कहते थे। आज भी आप कई शहरों में जाओगे तो वहाँ पर आपको सिविल लाइंस मिलेगी, और लगभग लगभग हर शहर में आप देखेंगे कि जो DM है, SP है, प्रशासन के बड़े बड़े अधिकारी हैं, इनके घर, इनके जो बंगलोज होते हैं वो आमतौर पर शहर से थोड़े बाहर होते हैं। आजकल तो शहर इतने फैल गए कि वो भी शहर में ही आ गए, पर सामान्यतया वो शहर से बाहर होते हैं। अंग्रेजों ने भारत में भी कुछ इस प्रकार की ही संरचना बसाई थी, आम लोग सब शहर में रहते थे और प्रशासन के जो लोग थे वो सारे शहर से बाहर रहते थे, जिसे क्या बोलते हैं, सिविल लाइंस। हड़प्पा सभ्यता में भी कुछ ऐसा ही, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता में भी आप देखोगे कि शासक वर्ग जो है एक हिस्से में रहता था, इसे दुर्ग वाला भाग या टीले वाला भाग कहते जी, थोड़ा ऊंचाई पर था, और दूसरा वाला भाग जो है वो आपको बताया जहाँ पर आम लोग रहते थे, सामान्य लोग, नगर वाला इलाका, यहाँ पर आपको नागरिक, व्यापारी, शिल्पकार, कारीगर, श्रमिक ये मिल जाएंगे।
फिर इसमें एक और चीज, सड़कों के किनारे नालियां ऊपर से ढकी होती थी। आज भी मैं आपसे 2021 की बात कर रहा हूं, अपने शहर में बाहर जाके देखो, घर से कितने ऐसे शहर होंगे जहां पर नालियां पूरी तरह से ढकी हुई है, कवर है। कई सारे शहरों में ये हालत है कि आज भी नालियां मोटे मोटे तौर पर खुली ही रहती, नालियां बड़े बड़े नाले खुले ही रहते हैं, वहां मच्छर गंदगी सब होता है, उसके आसपास के रहने वाले लोग परेशान होते हैं, बीमार होते हैं, सब हो रहा है। लेकिन हड़प्पा सभ्यता की खास बात यह है कि यहाँ पर जो नालियाँ थी वो नालियाँ कवर्ड थी, ऊपर से ढकी थी। घरों का गंदा पानी इन्हीं नालियों से होते हुए नगर की मुख्य नाली में गिरता था। अब ये जल निकासी प्रणाली कैसी थी कि पहले घर का पानी क्या है, घर का पानी बाहर निकलता था नालियों से, और वो नालियाँ आगे जाके एक मुख्य नाली में मिल जाती थी, और इस प्रकार से पूरे इलाके का पानी बिना आसपास फैले हुए गंदगी किए हुए बाहर निकल जाया करता था। ठीक है, क्लियर हुआ? तो ये एक प्रकार की इसकी नगर योजना की खासियत है। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और कालीबंगा की नगर योजना लगभग एक समान थी, सिर्फ कालीबंगा और रंगपुर को छोड़कर सभी में पकी हुई ईंटों का प्रयोग हुआ है। तो एक पॉइंट यहाँ से आप ये देख सकते हो कि वैसे तो पकी ईंटों का प्रयोग हमें दिखाई देता है हड़प्पा में, पर कालीबंगा और रंगपुर ये दो स्थल हैं, दो जगह ऐसी है जहाँ पर पकी हुई ईंटें नहीं मिली हैं। यहाँ पर ठीक है, पकी हुई ईंटों का प्रयोग नहीं हुआ है, यहाँ कच्ची ईंटों का प्रयोग हुआ है, और ये अपवाद है, यहीं से क्वेश्चन बनते हैं, ये नोट कर लेना। फिर इसके बाद जैसे हमारे घर का एक प्लान होता है, ठीक है, हम घर बनाते तो प्लानिंग के साथ बनाते हैं, उसमें आपने देखा होगा कि बेडरूम, ड्राइंग रूम, किचन सब होता है, कोर्टयार्ड सब होता है। तो आम तौर पर यहाँ भी प्रत्येक घर में आपको एक आंगन मिल जाएगा, एक किचन मिल जाएगा, एक रसोई घर मिल जाएगा, एक स्नानागार मतलब वॉशरूम भी यहाँ पर हुआ करता था, और अधिकांश घरों में कुओं के अवशेष भी मिले हैं। मतलब इस तरह से घर के निर्माण किए गए, लगभग लगभग हर घर में किचन है, हर घर में आपको आंगन मिल जाएगा, हर घर में आपको जो है वॉशरूम मिल जाएगा, कुएं मिल जाएंगे। फिर बड़े बड़े भवन, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में जो बड़े बड़े भवन मिले हैं, इससे पता चलता है समृद्धि के बारे में, उस काल के लोगों के पास में कितना जो है धन था या कितने वो संपन्न थे, ये हम इनके भवन देख के बता सकते हैं। हड़प्पा कालीन नगरों के चारों ओर प्राचीर बनाकर किलेबंदी की गई थी। फिर इन्होंने अपनी सुरक्षा की भी व्यवस्था की, ठीक है, नगरों के चारों ओर दीवारें बनाई गई, किलेबंदी की गई दीवार बनाकर, ठीक है, जैसे हम लोग अपने घर को बचाने के लिए आसपास थोड़ा सा दीवार टाइप या ऐसा कुछ बना लेते हैं ना, वैसे ही किलेबंदी के लिए यहाँ पर दीवार बनाई गई शहरों के चारों तरफ, ताकि ठीक है नगर को चोरों से, लुटेरों से और पशु दस्युओं से बचाया जा सके। तो इन्होंने अपने सुरक्षा की भी पर्याप्त व्यवस्था की थी। अगर हम इनके आर्किटेक्चर की बात करें तो इनके द्वारा बनाई गई ठीक है जितनी भी हम कहें कि कलाकृतियाँ थी, उनमें अद्भुत आपको मिलेगा एक स्नानागार जो मोहनजोदड़ो में, और ये अपने आप में एक अद्भुत है। अगर आपने कभी देखा हो मोहनजोदड़ो का विशाल स्नानागार, एक प्रकार से माना जाता है कि शायद धार्मिक प्रयोजनों के लिए उसका यूज़ होता था। जैसे हमारे यहाँ पर धार्मिक अवसर पर लोग स्नान वगैरह जा करने जाते हैं ना तीर्थ में, तो तीर्थ में लोग स्नान करते हैं एक साथ, जैसे कुंभ में शाही स्नान होता है, डुबकी लगाते हैं सब एक साथ, तो ऐसा माना जाता था कि धार्मिक प्रयोजनों के लिए शायद उसका उपयोग किया जाता होगा, और वहां पर लोग आके उस कुंड में जल में स्नान करते होंगे। तो ये विशाल स्नानागार अपने आप में अद्भुत था, और एक अन्नागार भी था जो इसकी सबसे बड़ी इमारत है। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत, सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत कौन सी है? इसकी सबसे बड़ी इमारत है इसका अन्नागार। यहां तक क्लियर हुआ?
अच्छा एक चीज़ और है कि यहाँ घरों के दरवाजे और खिड़कियाँ, ये पूछा गया है, घरों के दरवाजे और खिड़कियाँ मुख्य सड़क पर खुलते थे? नहीं, ये लोग अपनी प्राइवेसी का बड़ा ध्यान रखते थे। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का एक बहुत बढ़िया पॉइंट है कि वो निजता पर बहुत ध्यान देते थे, और यहाँ घरों के दरवाजे और खिड़कियाँ मुख्य सड़क पर नहीं खुलती थी बल्कि गलियों में खुलती थी। मतलब जो घर होते थे ना, उन घरों में जो खिड़कियां होती थी आमतौर पर, वो मेन रोड की तरफ नहीं, वो गलियों में खुलती थी अंदर की तरफ। लेकिन लोथल इसका अपवाद, अब अपवाद जरूर याद कर लेना, सिंधु घाटी सभ्यता का वो स्थल जहां पर खिड़कियां सड़कों पर न खुलकर गलियों में खुलती थी, वो तो सभी है, लेकिन जहां मेन एक अपवाद मैं आपको बता रहा हूं कि लोथल में घरों की खिड़कियां मुख्य सड़क की तरफ खुलती थी, ये अपवाद है। और अपवाद से हमेशा क्वेश्चन बनते हैं। लोथल के दरवाजे और खिड़कियां मुख्य सड़कों की ओर खुलती थी, ये बड़ी बात थी। यद्यपि मकान बनाने में कई प्रकार की ईंटों का प्रयोग होता था, इसमें अलग अलग प्रकार की लंबाई चौड़ाई मोटाई की ईंटें यूज की जाती थी आमतौर पर, ठीक है, जो ईंटें हुआ करती थी वो पकी ईंटें हुआ करती थी। अब एक एक करके हम देखें सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल। वैसे तो मैंने आपसे कहा कि अनुसंधान में, रिसर्च में, खुदाई में हजारों स्थल मिले, 2800 के आसपास, लेकिन इतने नहीं पढ़ने, कुछ प्रमुख स्थल जैसे हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा वगैरह, जिनके बारे में आप सुनते हैं, हम कुछ प्रमुख स्थलों के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले है हड़प्पा। सबसे पहले हड़प्पा के बारे में बात कर लेते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे पहले खोज जो हुई थी 1921 में, वो हड़प्पा की ही हुई थी, ठीक है। सबसे पहले खुदाई हड़प्पा में हुई, किसने की, मैंने आपको अभी बताया, दयाराम साहनी। क्या नाम था? राय बहादुर दयाराम साहनी वो नाम था। हड़प्पा कहाँ पर है? इसी के नाम पर इसका नाम हड़प्पा सभ्यता पड़ा है। ये रावी नदी के तट पर है, पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के मोंटगोमरी जिले में। ये स्थल भारत में नहीं है, ठीक है, ये स्थल पाकिस्तान में है, पंजाब, पाकिस्तान में भी एक पंजाब प्रांत है, वहाँ पर एक मोंटगोमरी नाम का एक डिस्ट्रिक्ट है, जिला है, जैसे हरियाणा में कोई जिला है, पंजाब में कोई जिला है, वैसे पंजाब प्रांत जो पाकिस्तान का है वहाँ का मोंटगोमरी ये जिला है, और रावी वो नदी है जिसके किनारे पर। अब एक और चीज़ याद कर लेना, कौन सा हड़प्पा स्थल किस नदी के किनारे पर है, यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है। रावी हो गई, सतलज हो गई, सिंधु हो गई, घग्गर हो गई, ठीक है। स्टुअर्ट पिगट ने इसे अर्ध औद्योगिक नगर कहा। इस जगह की विशेषता यह है कि इसे अर्ध औद्योगिक नगर माना जाता है। क्यों? क्योंकि ये ना तो पूरी तरह से औद्योगिक था और न ही यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं था कि कोई उद्योगी नहीं थे। यहाँ पर एक बड़ा, ठीक है, अपने आप में कारखाना, व्यापार आपको दिखाई देगा। यहाँ के निवासियों का एक बड़ा भाग व्यापार, तकनीकी उत्पाद और धर्म के कार्यों में जुड़ा हुआ था या लगा हुआ था, तो यह अर्ध औद्योगिक शहर के नाम से जाना जाता है। स्टुअर्ट पिगट ने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी कहा है। जैसे आपने देखा होगा कई सारे साम्राज्य होते थे ना, बड़े बड़े, जिनकी एक से ज़्यादा राजधानियाँ हुआ करती थी, तो इसकी भी एक से ज़्यादा, एक प्रकार से राजधानी मान लेंगे हम लोग, विशाल हड़प्पा साम्राज्य की ये जुड़वा राजधानी मानी है पिगट ने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। कि हड़प्पा एक राजधानी थी सिंधु घाटी सभ्यता की और मोहनजोदड़ो दूसरी राजधानी थी, ठीक है। नगर की रक्षा के लिए पश्चिम की ओर एक दुर्ग का निर्माण किया गया था। यह दुर्ग उत्तर से दक्षिण की ओर 415 मीटर लंबा और पूर्व से पश्चिम की ओर 195 मीटर चौड़ा है। हड़प्पा के बारे में एक और चीज जो काम की है वो ये है कि यहां पर आपको मिल जाएगा दुर्ग,
ठीक है, यहाँ पर एक दुर्ग का निर्माण किया गया है, और ये दुर्ग जो है उत्तर से दक्षिण 415 मीटर लंबा है और पूर्व से पश्चिम ये 195 मीटर लंबा। इसे व्हीलर ने माउंट ए बी की संज्ञा प्रदान की है। तो ये हड़प्पा सभ्यता के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हो गए। हड़प्पा के बाद दूसरा बड़ा शहर है मोहनजोदड़ो। सिंधु घाटी सभ्यता का दूसरा बड़ा शहर मोहनजोदड़ो है, जिसका मतलब है मृतकों का टीला। ठीक है, दरअसल मोहनजोदड़ो शब्द जो है इसका मतलब होता है मृतकों का टीला, कि अगर आप बहुत सारे शवों को एक साथ दफना दें तो जो बनेगा वो एक प्रकार से मोहनजोदड़ो टाइप बनेगा। यह सिंध पाकिस्तान के लरकाना जिले में सिंधु नदी के तट पर है, क्योंकि यहाँ से बहुत सारे कंकाल मिले हैं, बहुत सारे शव हमें मिले हैं, इसीलिए इसको मृतकों का टीला कहा जाता है। सबसे पहले ये भी पाकिस्तान में, मैंने अभी आपसे कहा कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो ये दोनों ही स्थल पाकिस्तान में है। इसकी खोज राखाल दास बनर्जी ने की थी 1922 में, जब दयाराम साहनी ने हड़प्पा की खोज की उसके अगले ही साल राखाल दास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खोज की। बड़ी बात है कि इसकी शासन व्यवस्था राजतंत्रात्मक नहीं थी, जनतंत्रात्मक थी। मोहनजोदड़ो के साथ ये खास बात थी, इसकी जो शासन व्यवस्था थी ना वो जनतंत्रात्मक थी। मतलब यहाँ पर आपको गणतंत्र के, रिपब्लिक के कुछ अवशेष दिखाई देंगे। आपने ऋतिक रोशन की एक मूवी देखी होगी इसी नाम से, मोहनजोदाड़ो, उसमें दिखाया गया है कि मोहनजोदड़ो राजतंत्रात्मक नहीं था, गणतंत्रात्मक, राजतंत्रात्मक की जगह जनतंत्रात्मक था। यहाँ से क्या क्या मिला है, तो मैंने आपको बताया कि एक बहुत बड़ा स्नानागार यहाँ से मिला है, जो शायद धार्मिक प्रयोजन के लिए यूज़ किया जाता था। ये मोहनजोदड़ो का सबसे महत्वपूर्ण सार्वजनिक स्थल है। इसे केंद्रीय खुले प्रांगण के बीच जलकुंड या जलाशय बना हुआ है, इस तरीके का आप जो देख पा रहे हैं, शायद यहाँ पर सभी लोग, ठीक है, नहाते होंगे किसी धार्मिक कार्यक्रम या अवसर पर। फिर हड़प्पा सभ्यता को हम क्या बोलते हैं, कांस्य युगीन सभ्यता। इसका कारण है कि यहाँ के लोग तांबे और टीन को मिलाकर कांसा बनाना जानते थे। ये एक और विशेषता है। मोहनजोदड़ो से हमें कांसे की एक नर्तकी की मूर्ति मिली है। ये भी पूछा जाता है कि कांसे की नर्तकी की मूर्ति कहाँ से मिली है, ये मोहनजोदड़ो से ही मिली है। अगला स्थल है इसका चन्हुदड़ो। चन्हुदड़ो सिंधु घाटी सभ्यता का अगला स्थल है और ये मोहनजोदड़ो के पास में ही है, 130 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में आपको पाकिस्तान में ही मिलेगा। ठीक है, जहाँ मोहनजोदड़ो है ना उसी के लगभग 150 किलोमीटर एरिया में चन्हुदड़ो भी है, जो पाकिस्तान में है, जिसकी खोज 1934 में एन गोपाल मजुमदार ने की थी। 1935 में अर्नेस्ट मैके के द्वारा यहाँ उत्खनन करवाया गया था। अब एक पॉइंट आपको जो यहाँ से नोट करना है काम का, कि ये एकमात्र ऐसा स्थल है सिंधु घाटी सभ्यता का जहाँ से वक्राकार ईंटें मिली। वक्राकार ईंटें मतलब ऐसी गोल गोल ईंटें मिली। ठीक है, यहाँ से आयताकार ईंटें नहीं मिली है। सिंधु घाटी सभ्यता का एकमात्र ऐसा स्थल है जहाँ से ईंटें जो मिली है वो गोल मिली है। वक्राकार ईंटों का मतलब है गोल गोल ईंटें। क्लियर हुआ? एक चीज चन्हुदड़ो के बारे में, और यहाँ से कोई दुर्ग नहीं मिला है हड़प्पा सभ्यता में हमको। आम तौर पर मैंने आपसे कहा कि दुर्ग या किला आपको मिलेगा, लेकिन चन्हुदड़ो एक ऐसा जगह है, एक ऐसा स्थल है
जहाँ कोई किला नहीं मिला है, कोई दुर्ग नहीं मिला है, यहाँ से पूर्वोत्तर हड़प्पाकालीन संस्कृति के अवशेष भी हमको मिले हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि ये एक औद्योगिक केंद्र था। जैसे हमने देखा कि हड़प्पा को स्टुअर्ट पिगट ने अर्ध औद्योगिक केंद्र कहा, चन्हुदड़ो शायद एक औद्योगिक केंद्र था। जैसे आजकल भारत में कई सारे इलाके को इंडस्ट्रियल एरिया कहते हैं, है ना, इंडस्ट्रियल एरिया, जहाँ पर कोई इंडस्ट्री पाई जाती है, जहाँ पर बहुत सारे कारखाने उद्योग वगैरह पाए जाते हैं, जैसे नोएडा हो गया, है ना, इस तरह की जगह को हम इंडस्ट्रियल एरिया, औद्योगिक क्षेत्र कहते हैं। चन्हुदड़ो भी एक औद्योगिक केंद्र था। यहाँ से मणकारी, मुहर बनाने, भार और माप के बटखरे बनाने का काम होता था। अर्नेस्ट मैके ने यहाँ पर एक मनके बनाने का कारखाना और भट्टी की खोज की। मतलब कई सारी चीज़ों का निर्माण उत्पादन चन्हुदड़ो में होता था, इसीलिए इसको क्या बोला है, इसीलिए इसको औद्योगिक केंद्र या औद्योगिक नगर माना गया है सिंधु घाटी सभ्यता का, क्योंकि यहाँ पर मुहर बनाने का, कई सारी और वस्तुएं बनाने का कारखाना उद्योग मिला है। तो हमारे दिमाग में क्लिक होना चाहिए, जब भी हमसे कोई पूछे चन्हुदड़ो, क्या सिंधु घाटी सभ्यता का इंडस्ट्रियल एरिया, औद्योगिक केंद्र चन्हुदड़ो, अर्ध औद्योगिक केंद्र हड़प्पा, ठीक है। अगला स्थल देखो, अभी तक हमने देखा हड़प्पा, वो भी पाकिस्तान में, मोहनजोदड़ो वो भी पाकिस्तान में, चन्हुदड़ो वो भी पाकिस्तान में। अब यहाँ पर एक स्थल जो आया है अभी तक में पहला, ये भारत में है और ये भारत में गुजरात में है। लोथल के बारे में आपको पता होगा, लोथल ये गुजरात में अहमदाबाद जिले के सरगवाला ग्राम के पास में एक नदी है, भोगवा नदी। नदी का नाम ज़रूर याद रखिएगा, भोगवा। देखो ये जो मैप है इसमें आप देखोगे यहाँ पर है हड़प्पा, ये पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में, उसके यहाँ नीचे आपको मिलेगा मोहनजोदड़ो, उसके ठीक नीचे आपको चन्हुदड़ो मिलेगा, ठीक है, यहाँ मेहरगढ़ है, और इसके नीचे लोथल मिलेगा, ये यहाँ लोथल है। ये जो आपको सबसे नीचे दिखाई दे रहा है चन्हुदड़ो के नीचे, गुजरात में, भारत में, ये लोथल है, ठीक है। मैप में दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है ये बताओ पहले तो। दिखाई दिया, ये वाला, तो कहाँ पर है, गुजरात में, कौन सी नदी, भोगवा। हड़प्पा रावी नदी के किनारे, मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे, और लोथल भोगवा नदी के किनारे। इसकी खोज सबसे पहले डॉक्टर एस आर राव ने 1955 में की थी। तो सबसे पहले एस आर राव के द्वारा 1955 में ये खोजा गया। बड़ी बात है कि ये एक प्रमुख बंदरगाह था, पत्तन, पत्तन कह लीजिए, पोर्ट कह लीजिए, ये हड़प्पा स्थल का एक प्रमुख बंदरगाह था, जो पश्चिम एशिया से व्यापार का भी एक प्रमुख स्थल था। काफ़ी बड़ी मात्रा में यहाँ से हड़प्पा सभ्यता वाले व्यापार करते थे, ठीक है, ये बंदरगाह था। एक चीज़ आपको समझनी है, नॉर्मली सिंधु घाटी सभ्यता में नगरों को दो भागों में बांटा गया था, ठीक है। हमने देखा कि एक नगर, ठीक है, जो ऊंचाई पर था, जहाँ शासक वर्ग रहता था, और दूसरा सामान्य नागरिकों का निचला नहर, निचला नगर था। लोथल को दो भागों में नहीं बांटा गया था। लोथल एक ऐसा शहर था जहाँ एक ही रक्षा प्राचीर से पूरे नगर को दुर्गीकृत किया गया था, ये दो भागों में बटा हुआ शहर नहीं था। अगला है भारत में ही, हरियाणा में, हिसार में राखीगढ़ी। हरियाणा के हिसार जिले में स्थित एक प्रमुख पुरातात्विक स्थल है। यहाँ से अन्नागार मिला है मोहनजोदड़ो की तरफ,
और रक्षा प्राचीर के साक्ष्य मिले हैं। मई 2012 में ग्लोबल हेरिटेज फंड ने राखीगढ़ी को एशिया के 10 ऐसे विरासत स्थलों की सूची में शामिल किया जिनके नष्ट हो जाने का खतरा है। तो ये कहीं न कहीं खतरे की तलवार भी इसके ऊपर लटक रही है, ये नष्ट होने के कगार पर है, इसके ऊपर खतरा मंडरा रहा है नष्ट होने का। अगला शहर है कालीबंगा, ये भी भारत में है। कहाँ है? राजस्थान। राजस्थान में एक जिला है गंगानगर, कई लोग श्री गंगानगर भी कहते हैं, सॉरी, राजस्थान के गंगानगर के जिले में आपको एक शहर दिखाई देगा घग्गर नदी के तट पर, जैसे लोथल भोगवा नदी के तट पर है, ठीक है, कालीबंगा घग्गर नदी के किनारे पर है। इसके नाम की भी बड़ी अजीब कहानी है, कालीबंगा का मतलब क्या होता है? रक्षा प्राचीर का मतलब होता है रक्षा के लिए बनाई गई दीवार। आपने चीन की दीवार का नाम सुना है, द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, क्या है वो? चीन के रक्षा के लिए बनाई गई दीवार है, तो एक प्रकार की रक्षा प्राचीर है। प्राचीर का मतलब होता है वॉल, दीवार। कई सारे भारत में किलों में भी आपको दीवारें मिलेंगी, लंबी लंबी दीवारें जो किले की रक्षा के लिए बनाई जाती थी, सिक्योरिटी वॉल। क्या कहेंगे? रक्षा प्राचीर को इंग्लिश में सिक्योरिटी वॉल कहेंगे। तो घग्गर नदी के तट पर मिलेगा कालीबंगा, इसका मतलब क्या होता है? कालीबंगा का मतलब होता है काले रंग की चूड़ियां, ठीक है, ब्लैक बैंगल्स, बैंगल्स हिंदी में चूड़ियां, काले कलर की चूड़ियां। इसकी खोज की थी अमलानंद घोष ने। कई बार ये एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल की खोज किसने की, इसको जोड़ियों में मिलाना, तब सारे ऑप्शन एक जैसे ही दिखाई देते हैं, इधर के चार उधर के चार कोई अंतर नहीं दिखाई देता। हमारे लिए अमलानंद घोष भी बराबर है, माधव स्वरूप वत्स भी बराबर है, राखालदास बनर्जी भी बराबर है, आर एस बिष्ट भी है वही है। तो याद रखिएगा किस व्यक्ति ने किस स्थल की खोज की। एक क्वेश्चन ये भी यहाँ से बनता है कि आप एक है ना एक सूची बना लें हड़प्पा सभ्यता के स्थलों की और उनके खोजकर्ताओं की, क्योंकि भले ही आपने पढ़ लिया हो लेकिन जब एग्ज़ाम आएगी ना तब तक आपके दिमाग से ये निकल जाएगा और फिर कन्फ्यूज़न पैदा करेगा, ठीक है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको अपने दिमाग में उसको फिर से ठीक करने के लिए, ताकि एग्ज़ाम में कन्फ्यूज़न हो ना हो, रिवीजन आपका हो जाए, उसको कहीं पर लिख के रखिए और एग्ज़ाम के टाइम पर उसको रिवाइज कीजिए। फिर क्या होगा कि अगर आप बिना रिवाइज करे चले जाएंगे तो एग्ज़ाम में अगर पूछ लिया कि इनके खोजकर्ताओं को इनके साथ मिलाइए, तो हमें बुरा लगेगा कि ये मैंने पढ़ा था लेकिन अब दिमाग से निकल गया, अब ये सब कन्फ्यूज़न हो रहा है। तो अमलानंद घोष ने 1951 में खोज की थी कालीबंगा की। 1961 में बीबी लाल और बीके थापर के निर्देशन में यहां व्यापक खुदाई हुई। एक पॉइंट एक जो आपको नोट करना है, जहां से बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन आया है, हड़प्पा सभ्यता का वो स्थल जहां से जूते हुए खेत का साक्ष्य मिला है। जूते हुए खेत का साक्ष्य समझते हैं आप लोग? जोतते हैं खेत को, जब जोतते हैं तो एक जूते हुए, चाहे वो बैल से, अभी आजकल तो ट्रैक्टर वगैरह से ये सारा काम हो जाता है, जूते हुए खेत का साक्ष्य यहाँ से मिला है। मतलब हड़प्पा सभ्यता के लोगों को खेतों की जुताई का भी नॉलेज था। यहाँ के भवनों का निर्माण कच्ची ईंटों द्वारा हुआ था। मैंने आपसे कहा था कि कालीबंगा एक ऐसा स्थल है जहाँ से हड़प्पा सभ्यता के बाकी स्थलों के विपरीत कच्ची ईंटें मिलेंगी आपको, ठीक है, कच्ची ईंटों का प्रयोग हुआ है। यहाँ से अलंकृत ईंटों के साक्ष्य भी मिले हैं। फिर कालीबंगा के साथ में एक और पॉइंट है कि यहाँ शवों के अंत्येष्टि संस्कार की, जैसे हमारे यहाँ होता ना एक आखिर में जब इंसान मर जाता है उसकी डेथ हो जाती है,
तो कई लोग जला देते हैं, कई लोग दफना देते हैं, ठीक है ना। जब जो लोग पूरी तरीके से दफना देते हैं उसको कहते हैं पूर्ण समाधिकरण, जब इंसान को पूरा के पूरा क्या कर दिया जाता है, दफना दिया जाता है, या पहले जला दिया जाए और जो अवशेष है उनको दफना दिया जाए। समझ में आ रहा है आपको? तो पूर्ण समाधिकरण, जब किसी शव को दफना दिया जाता है पूरी तरह से। आंशिक समाधिकरण का मतलब ये है कि शव को जला दिया और जलाने के बाद जो राख है, जो अवशेष है, उसको दफना दिया, तो ये कहलाता है आंशिक समाधिकरण। और दाह संस्कार तो आपको बताइए कि इंसान को जला देना। तो तीन तरीके होते हैं, या तो जला देना, या दफना देना, या जलाने के बाद दफना देना। ठीक है, क्लियर क्लियर हुआ? तो ये कालीबंगा की खासियत थी कि यहां पर शव के अंत्येष्टि संस्कार की तीन विधियां मिली हैं। यहां लोगों ने अपने शवों को जलाया भी है, दफनाया भी है, और जला के दफनाया भी है। पूर्ण समाधिकरण, आंशिक समाधिकरण और दाह संस्कार। अगला भी मध्य भारत के हरियाणा में ही है, बनावली। बनावली हरियाणा के फतेहाबाद जिले में, इसकी खोज 1973 में R.S. बिष्ट ने की। मैंने कहा था ना अभी कि R.S. बिष्ट का नाम, अमलानंद घोष का नाम सबका याद रखिएगा। तो R.S. बिष्ट ने हरियाणा के फतेहाबाद जिले में बनावली की खोज की थी। इस स्थल से कालीबंगा की तरह हड़प्पा पूर्व और हड़प्पा काली दोनों संस्कृतियों के अवशेष मिले हैं। मतलब हड़प्पा काल के अवशेष तो यहाँ से मिलते ही हैं, हड़प्पा से पहले के भी अवशेष यहाँ से हमें मिल जाते हैं। यहाँ तक समझ में आया? लेकिन यहाँ जल निकासी प्रणाली का अभाव था। एक ऐसी विशेषता मैं देखता हूँ कि जो पूरे हड़प्पा सभ्यता में दिखाई दे रही है, जिसके लिए हड़प्पा सभ्यता जानी जाती है, बेहतर जल निकासी, कि पानी जो है किस तरीके से, बेहतर तरीके से बाहर जा रहा है, वो जल निकासी प्रणाली मुझे बनावली में दिखाई नहीं देती है। यहाँ जल निकासी प्रणाली का अभाव था और यहाँ से हमें एक मिट्टी का बना हुआ हल भी मिला है। आपने देखा होगा आमतौर पर पुराने, अगर आपके घर में कोई खेती करता हो, तो पहले के ज़माने के जो लोग खेती करते थे ना, तो जो हल का यूज़ करते थे वो हल मिट्टी का बना होता था। ठीक है, मिट्टी के हलों का यूज़ कई जगह पर किया जाता है, आज भी भारत में किया जाता है। तो बनावली से हमें मिट्टी का बना हुआ एक हल मिला है। यहाँ से हमें जो भी मिला है काफ़ी ज़्यादा मात्रा में। अगला जो स्थल है, धोलावीरा। समझ में आ रहा है आपको? एक एक करके हम समझ रहे हैं। अगला स्थल है धोलावीरा। धोलावीरा ये भी गुजरात में है, कच्छ जिले में, गुजरात के कच्छ जिले के भचाऊ तालुका में ये स्थित है। और जेपी जोशी ने 1967 में इसकी खोज की थी। जेपी जोशी, इससे पहले R.S. बिष्ट, उससे पहले अमलानंद घोष, नाम दिमाग में बैठाइएगा, चलते रहिएगा दिमाग में माई। ठीक है, यहाँ से प्राप्त होने वाली सिंधु लिपि के 10 बड़े चिन्हों में, ठीक है, निर्मित शिलालेख महत्वपूर्ण उपलब्धि है। यहाँ से हमें एक शिलालेख मिला है। जैसे हम अशोक के शिलालेखों की बात करते हैं ना, वैसे ही एक शिलालेख हमें धोलावीरा से मिला है। इस शिलालेख की खास बात यह है कि सिंधु सभ्यता की जो लिपि थी उसके 10 बड़े चिन्ह इस शिलालेख में है। मतलब 10 बड़े चिन्हों से निर्मित किया गया है ये शिलालेख। अभी क्वेश्चन आप इस तरीके से पूछ रहे हैं, मैंने बताने की जरूरत ही नहीं। अभी मैंने आपको राखी गढ़ी पढ़ाया, अभी मैं धोलावीरा पढ़ा रहा हूं, तो क्वेश्चन तो बनता ही नहीं इस तरह का कोई। धोलावीरा के निवासी जल संरक्षण की तकनीक से परिचित थे। जल संरक्षण, जैसे भारत में आपको पता है कई जगह लोग क्या करते हैं,
ठीक है, कई जगह आपको पता है कि लोग रेन वाटर हार्वेस्टिंग करते हैं, कि पानी जो ऊपर छत पर आता है वर्षा का, वो सारा पानी एक पाइप के जरिए, ठीक है, किसी गड्ढे में जाके इकट्ठा हो जाए, जिससे कि अंडरग्राउंड वाटर का लेवल बढ़ जाए। तो जल संरक्षण की कई सारी तकनीक होती है, जिसमें एक रेन वाटर हार्वेस्टिंग है। इसी चीज़ को लेकर आपको याद रखना है धोलावीरा का नाम। यहाँ के लोग जल संरक्षण की तकनीक से भी परिचित थे। बाकी नगरों के विपरीत धोलावीरा की एक खास बात ये थी कि यहाँ दो भागों में बटा हुआ नहीं था, ये तीन भागों में बटा था। धोलावीरा एक ऐसा शहर था जो तीन भागों में बटा था। इसमें एक भाग दुर्ग भाग था, दूसरा भाग निचला नगर था। ये हर नगर में मिलेगा आपको। आम तौर पर हड़प्पा सभ्यता के हर शहर में एक किले वाला भाग, दुर्ग भाग और एक निचला भाग, ये तो मिलेगा। इस नगर की विशेषता थी कि यहाँ एक और भाग था मध्यम नगर। समझ में आ रहा है? नॉर्मली हमें कितने दो भाग मिलते हैं, दुर्ग वाला निचला वाला। एक बीच का और भाग था, तीन भागों में बटा हुआ शहर है, कौन सा? धोलावीरा। इस नगर की एक खासियत तो ये है कि ये तीन भागों में बटा है, दूसरा कि यहां से हमें एक स्टेडियम मिला है, एक खेल का मैदान। यदि आपको ऐसा लगे कि हड़प्पा सभ्यता के लोग मनोरंजन के शौकीन थे कि नहीं, हड़प्पा सभ्यता के लोग खेल खेलते थे कि नहीं, मनोरंजन के लिए कुछ करते थे कि नहीं, तो एक उदाहरण है जो ये बताता है कि हड़प्पा सभ्यता के लोगों में भी मनोरंजन को लेकर उत्सुकता थी, जागरूकता थी, प्रेमी थे वो भी खेल के। आपको धोलावीरा से एक स्टेडियम मिलेगा, खेल का मैदान। ठीक है, स्टेडियम आमतौर पर आपको पता है इसका मतलब कि जहाँ कुछ खेल खेले जाते होंगे, लोग दर्शक के रूप में देखने आते होंगे, तो यहाँ से आपको एक स्टेडियम में मिलेगा। तो ये हो गए हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख स्थल। मैंने आपको बता दिया हड़प्पा के बारे में, मोहनजोदड़ो के बारे में, कालीबंगा के बारे में, लोथल के बारे में, चन्हुदड़ो के बारे में, बनावली, राखीगढ़ी, धोलावीरा, सब लगभग लगभग हमारे हो गए। अब हड़प्पा सभ्यता के स्थलों के बाद हड़प्पा लिपि के बारे में बात ना हो ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। हड़प्पा लिपि आपको पता है कि अपने आप में आज भी, ठीक है, एक आश्चर्यजनक वस्तु है। आज भी हमें आश्चर्यचकित कर देती है और आज भी हमारे लिए ये एक प्रकार से अनजानी है। हम अभी भी इस लिपि को समझ नहीं पाए हैं, अभी भी इस लिपि को डिकोड नहीं कर पाए, पढ़ नहीं पाए हैं, लेकिन बात तो करेंगे इस लिपि के बारे में। इस लिपि में जो लगभग 64 मूल चिन्हों से बनी है और 205 से 400 तक अक्षर है। जैसे आप देवनागरी में देखते हैं तो क एक अक्षर है, ख एक अक्षर है, ये जिसे आप पूर्ण विराम कहते हैं ये एक चिन्ह है, ये जिसे आप कॉमा कहते हैं अर्ध विराम, ये एक चिन्ह है अल्प विराम। तो हड़प्पा की जो लिपि है इसमें आपको क ख ग जैसे 250 से 200 से 400 तक अक्षर मिलेंगे, लेटर्स मिलेंगे और उसमें चिन्ह भी है, 64 चिन्ह है इस लिपि में, जो सेलखड़ी की आयताकार मोहरों पर, कुटिकाओं पर आदि पर आपको मिलेंगे। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता की लिपि में, मतलब लिपि अच्छी खासी थी, काफी सारे अक्षर, काफी सारे चिन्ह इस लिपि में आपको दिखाई दे जाएंगे। इस लिपि का सबसे पुराना नमूना 1835 में मिला था और 1923 तक पूरी के पूरी लिपि प्रकाश में आ गई थी। बस एक बात आपको याद रखनी है हड़प्पा सभ्यता की लिपि के बारे में, कि अभी तक ये लिपि डिकोड नहीं हुई है, अभी तक इस लिपि को पढ़ा नहीं जा सका है। क्लियर? यहां तक समझ में आ गया? इस लिपि को, ठीक
ठीक है, पिक्टोग्राफ कहा जाता है। ये भाव चित्रात्मक थी, और ये हमेशा याद रखिएगा कि लिपि राइट टू लेफ्ट लिखी जाती थी, दाईं से बाईं ओर। जैसे खरोष्ठी है, खरोष्ठी लिपि भी दाईं से बाईं लिखी जाती है, राइट टू लेफ्ट लिखी जाती है, वैसे ही हड़प्पा लिपि भी राइट टू लेफ्ट लिखी जाती थी, ठीक है, दाईं से बाईं ओर। और इस लिपि को हम पिक्टोग्राफ या चित्रात्मक कह सकते हैं, इसे बुस्ट्रोफेडन कहा जाता है। जिस पद्धति में ये लिखी जाती है इसको बुस्ट्रोफेडन कहा जाता है। एक पॉइंट जो सबसे ज़्यादा याद रखना कि इसमें सबसे ज़्यादा जो चित्र है, चिन्ह है, वो कौन सा है, वो यू वाला है। देखो आप, ये रहा, यहाँ देखो, यहाँ देखो, ठीक है, सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला जो चिन्ह है वो ये है यू, और मछली के आकार का। तो ये जो आप चिन्ह देख रहे हो ना, ये हड़प्पा सभ्यता की लिपि के ही चिन्ह है, भावचित्रात्मक लिपि है, जो हमें अभी तक समझ में नहीं। हो सकता है किसी दिन कोई व्यक्ति इसकी गुत्थी को सुलझा दे, और शायद तब हमें पता चले कि हड़प्पा सभ्यता के बारे में और कुछ ऐसी जानकारी जो हम समझ नहीं पाए हैं। एक बार लिपि डिकोड हो जाए तो हमें बहुत सारी और चीज़ें पता चल सकती हैं हड़प्पा सभ्यता के बारे में, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया? अगर हम सामाजिक जीवन की बात करें, हड़प्पा सभ्यता के लोगों के सामाजिक जीवन, किस समय के लोगों का सामाजिक जीवन कैसा था? सिंधु घाटी से प्राप्त अवशेषों के आधार पर हम उस काल के सामाजिक जीवन का अनुमान लगा सकते हैं कि किस प्रकार का सामाजिक जीवन वहाँ के लोगों का हुआ करता था। यहाँ आम तौर पर समाज की जो इकाई थी वो परिवार थी। आज भी भारत में जो इकाई होती है वो परिवार ही होती है, फैमिली। एक परिवार, परिवार से आसपास के लोगों का समुदाय बनता है, ग्राम बनते हैं, कस्बे बनते हैं, शहर बनते हैं। तो समाज की इकाई परंपरागत तौर पर परिवार थी। मातृ देवी की पूजा और मुहरों पर अंकित चित्रों से ये पता चलता है कि शायद संभवतः हड़प्पा सभ्यता के लोग मात्र सत्तात्मक थे, ठीक है, मात्र सत्तात्मक का मतलब यह है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग शायद, ठीक है, माता को या महिलाओं को पुरुषों से ज्यादा महत्व, ज्यादा अहमियत देते थे, क्योंकि हमें मातृ देवी की पूजा की, ठीक है, अवशेष मिले हैं। हमें इससे शायद ये अनुमान लगाने की हम कोशिश कर सकते हैं कि शायद ये मात्र अभी कंफर्म नहीं है, ऐसा हम खुले तौर पर श्योरिटी के साथ नहीं कह सकते, के तौर पर नहीं कह सकते कि ये मात्र सत्तात्मक। समाज में विद्वान, योद्धा, व्यापारी, श्रमिक वर्ग, कई सारे वर्ग की मौजूदगी है, ठीक है। आवासों की संरचना हमें समाज के आर्थिक विषमता को दर्शाती है। एक चीज़, ये लोग साज सज्जा पर विशेष ध्यान देते थे। हड़प्पा सभ्यता के लोगों को सजना संवरना काफ़ी पसंद था। यहाँ से हमें आभूषण मिले काफ़ी सारे, महिला पुरुष दोनों ही आभूषण धारण करते थे, और प्रसाधन मंजूषा, इसको इंग्लिश में कहे मेकअप किट, यहाँ से आपको एक मेकअप किट भी मिली है। इससे हमें समझ में आता है कि ये लोग, क्योंकि आभूषण का मतलब है कि गहने वगैरह पहनने के शौकीन थे, और कई बार तो आभूषणों को मृतकों के साथ दफनाया भी जाता था, शायद ये सोच के कि उसके उस जन्म में ये उसके साथ काम आएंगे। तो गहनों के इतने शौकीन थे कि जीते जी तो पहनते ही थे, मरने के बाद भी शव के साथ दफना दिया करते थे आभूषणों को। यहाँ से आपको सजने संवरने की कई चीज़ें मिली, जैसे मेकअप किट, प्रसाधन मंजूषा, और थोड़ा सा गला खराब है, तो इस सेशन को हम लोग यहीं रखें।
यहीं तक रखते हैं। अगले सेशन में कोशिश करेंगे इसके आगे की चीज़ों को कवर करने की, डिस्कस करने की, ठीक है? तो आप सभी लोगों से फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए बाय।